हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेंस का पार्ट थर्ड, और ये है परफेक्ट टेंस। इसमें हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो क्लास को। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे वीडियो क्लास में जो सही सेंटेंसेज हैं, जो करेक्ट सेंटेंसेज हैं, उनको मैंने लिखा है ग्रीन कलर में, और जो इनकरेक्ट या गलत सेंटेंसेज हैं उनको मैंने लिखा है रेड कलर में। और ये वीडियो क्लास सभी SSC एग्ज़ाम्स के लिए, सभी बैंकिंग और दूसरे सभी एग्ज़ाम्स के लिए हाईली इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स और जितने भी ग्रामेटिकल पार्ट हैं उसमें आपको रूल नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि रूल कभी भी आपको एग्ज़ाम में याद नहीं रहेंगे। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी एरर के पार्ट को या किसी भी ग्रामेटिकल पार्ट को आसानी से आप कर पाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? देखिए, कोई भी ऐसा टेंस जो प्रेजेंट टाइम में ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, वो एक्शन ख़त्म हो चुका है और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ समय तक चला, और अब प्रेजेंट में जिस समय उस सेंटेंस को बोला जा रहा है उस समय तक वो ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो इस तरह के एक्शंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट करते हैं। प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में, और परफेक्ट यानी फिनिश्ड, वो काम फिनिश्ड हो चुका है और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली। वह रिसेंटली दिल्ली आ चुका है या आ गया है, और उसको आप अब इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि आप उसको दिल्ली में आप देख सकते हैं। ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, ठीक है। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये है आपका मेन वर्ब, ठीक है। इसमें इस तरह के सेंटेंसेस में, परफेक्ट टेंस में, हम हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो कम जो है ये फर्स्ट फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, ठीक है। तो रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, इस तरह के वर्ड्स को हम परफेक्ट टेंस में नॉर्मली यूज़ करते हैं। ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, वह अभी हाल ही में दिल्ली आया है। आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट पहले ही समाप्त कर लिया है। मैं ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट समाप्त कर चुका हूँ और अब आप मेरे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, वो रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो परफेक्ट टेंसेस में क्या होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय तक चला, और अब वो ख़त्म हो चुका है और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ही हैज़ फिनिश्ड ओनली 5 चैप्टर सो फार, मतलब उसने अभी तक केवल 5 चैप्टर ही ख़त्म किए हैं, समाप्त किए हैं, लेकिन 5 चैप्टर उसने पढ़ लिए हैं और 5 चैप्टर का रिजल्ट पूरा हो चुका है। मतलब 5 चैप्टर्स में से आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि उसने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। वी हैव प्रोग्रेस्ड ए लॉट, हम काफ़ी तरक्की कर चुके हैं और उस तरक्की को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनको हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ही, शी, इट, इस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं या सिंगुलर नाउन हैं उनके साथ हम हैज़ लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव लगाते हैं, आई के साथ भी हम हैव लगाते हैं, ही के साथ हम हैज़ लगाते हैं, वी के साथ हम हैव लगाते हैं। तो ये तो सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आती होंगी। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं वर्ड्स कॉमनली यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो परफेक्ट टेंस में कॉमनली यूज होते हैं। इनको आप एडवर्ब की श्रेणी में रख सकते हैं। रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, येट, येट का मतलब, येट को हम यूज़ करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में, और इसका अर्थ होता है अभी तक, नहीं। सो फार का अर्थ होता है अब तक, टिल नाउ का अर्थ भी होता है अब तक, जस्ट का अर्थ होता है अभी अभी, ठीक है। सिंस हम लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, जो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसको इंडिकेट करने के लिए हम सिंस लगाते हैं। जैसे 5 बजे से, 4 बजे से, मंडे से, जनवरी से, कल से, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। और यदि परफेक्ट टेंस में हम ड्यूरेशन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे 4 घंटे, 5 दिन, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, इसके लिए हम फॉर लगाते हैं। और देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, लेटली, इसका अर्थ होता है रिसेंटली। लेट का मतलब होता है देर से, लेकिन लेटली का अर्थ होता है रिसेंटली। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, लेट का अर्थ होता है देर से और लेटली का अर्थ होता है रिसेंटली, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स कभी कभी एग्ज़ाम में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो इन वर्ड्स को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। अब देखिए, यहाँ पर ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, अदरवाइज हैव लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वी थ्री का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपल सा इसका एक स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे ये है सब्जेक्ट, ठीक है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, रिटेन वी थ्री है, रिटेन मेन वर्ब हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मैनी बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, बुक्स ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, इसमें मेन ऑब्जेक्ट बुक्स है, लेकिन मैनी जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड है मैनी, ये बुक्स नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखेंगे। दे हैव रेड अ बुक, हैव के साथ जब हम रीड को पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेड, दे हैव रेड अ बुक, ठीक है। अजय हैज़ फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट, तो ये सारे सेंटेंसेस जो ग्रीन कलर में लिखे हैं ये सही सेंटेंसेस हैं। यहाँ पर देखिए मैंने रूल नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है मैंने कॉन्सेप्ट। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर आपको रूल को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उस कॉन्सेप्ट के बेस पर, उस कॉन्सेप्ट पर बेस जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझिए इस कॉन्सेप्ट को, इन पास्ट टाइम फ्रेजेस वी डू नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम का इंडिकेशन है तो उसको हम परफेक्ट में नहीं लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी, साइंस ने हमको 19th सेंचुरी में काफ़ी इन्वेंशंस दिए हैं, काफ़ी आविष्कार दिए हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की, तो इसलिए इसमें हम हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये जो रेड कलर में दिया है ये गलत सेंटेंस है, और ये सेंटेंस सही है, साइंस गेव अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी, इस तरीके से ये सेंटेंस सही है। चूंकि हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं और वो पास्ट का फ्रेज है, इसलिए उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे, उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं लिखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसी तरीके से सेम ये नीचे वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं, तो यदि किसी भी सेंटेंस में पास्ट का फ्रेज यूज हो रहा है, जैसे यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, 19th सेंचुरी, टू ईयर्स बैक, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट सिंपल टेंस में लिखते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए ये सेंटेंस है, यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हैव और हैड। ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए कि हैव आ जाता है और उसके बाद फिर हैड आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हैव देखिए होता है हेल्पिंग वर्ब और हैड होता है मेन वर्ब। हैव जो होता है वो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। तो जैसे यदि आपने ये सेंटेंस देखा, आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हेयर, मतलब यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है और हैड जो है वो मेन वर्ब है। आई हैव हैड, देखिए हैड का मतलब यहाँ पर ये है कि उसने यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो हैव के साथ आप क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर यदि आप इस हैड के स्थान पर एक्सपीरियंस्ड या फेस्ड इस तरह के वर्ड भी लगा दें तो ये सेंटेंस का मीनिंग वही निकलेगा। या आप बोल सकते हैं आई हैव फेस्ड, या आप बोल सकते हैं आई हैव हैड, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और हैड जो है वो मेन वर्ब है, तो आई हैव हैड जो हम बोलते हैं वो सही है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और हैड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, हैज़ के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर हम हैड के स्थान पर टेकन, इसका मतलब निकल रहा है कि ही हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट, इसके स्थान पर हम बोल सकते हैं ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। हैड माने टेक, या जैसे हैव करते हैं, हैव का मतलब क्या होता है, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM, मतलब मैं अपना ब्रेकफास्ट 9 AM पर खाता हूँ। तो उस खाने के स्थान पर, उस हैव के स्थान पर आप टेक वर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेकन का थर्ड फॉर्म रख के इसको आसानी से समझ सकते हैं, ही हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट, या ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हैड जो है वो मेन वर्ब है, यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और हैड मेन वर्ब है।
तो इस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अब देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट आपने समझा, इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो किसी भी रूल को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आप देखिए, आफ्टर सिंस हम पास्ट सिंपल टेंस लगाएंगे और बिफोर सिंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। देखिए, यहां से आपको ये अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसको आप इस सेंटेंस में देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम, मतलब मैंने उसको नहीं देखा है कब से, सिंस ही लेफ्ट इंडिया। ठीक है, तो ही लेफ्ट इंडिया का मतलब क्या है कि जब से उसने भारत को छोड़ा है, जब से वो भारत छोड़ के गया है, तब से अब तक मैंने उसको नहीं देखा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, क्योंकि वो जब भारत को छोड़ेगा तो ये एक्शन जो होगा ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा, पर्टिकुलर टाइम पर होगा। तो पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम क्या क्या बताते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्शन हुआ है ये एक पर्टिकुलर टाइम पर पास्ट में हुआ है, ही लेफ्ट इंडिया एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर V2 का प्रयोग करते हैं, और चूंकि उस समय से लेके अब तक आपने उसको नहीं देखा है, इसलिए इसमें हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सिंस के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। सेम सेंटेंस मैंने नीचे वाले सेंटेंस में दिया है, ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस शी लास्ट सॉ हिम, मतलब वह जब से उसने वो लास्ट टाइम देखा है, लास्ट टाइम के देखने के समय से लेके अब तक वह थोड़ा सा उसकी उम्र बढ़ चुकी होगी। ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस शी लास्ट सॉ हिम। तो इस तरह के सेंटेंसेस SSC एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं, पर्टिकुलरली मेंस एग्जाम में। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है, और इन कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं, देखिए एक सेम उसी तरीके का सेंटेंस ये यहाँ पर हम देखते हैं, सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी ही हैजंट टेकन एनी लीव, जिस समय से उसने आर्मी को ज्वाइन किया है। तो आर्मी को जब ज्वाइन किया है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, आर्मी को ज्वाइन करने का एक पर्टिकुलर डेट होगी, पर्टिकुलर टाइम होगा। तो वो जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो पास्ट में होगा। तो इसलिए यहाँ पर सिंस के बाद हम क्या लिखेंगे, पास्ट सिंपल टेंस, और उसके बाद हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि उस समय से लेकर अभी तक उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। तो सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी, उस समय से जब उसने आर्मी ज्वाइन की उस समय से लेकर अब तक ही hasn't taken any leave। तो ये सेंटेंस भी सही है और ये रियल सेंटेंस है, ये SSC एग्जाम में पूछा गया है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट देख लिया हमने, अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल क्या होता है कि दो एक्शन होते हैं पास्ट में। जब पास्ट में दो एक्शन होते हैं तो एक एक्शन जो होगा वो दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। ठीक है, पास्ट में कोई भी दो एक्शन जो होंगे वो एक साथ नहीं होते, एक एक्शन पहले होता है दूसरा एक्शन बाद में होता है। जैसे यदि मैं बोलूं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, तो ट्रेन जा चुकी थी एक एक्शन ये हुआ है, एक एक्शन ये हुआ है कि मेरा स्टेशन पहुंचना। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ है, पहले एक्शन हुआ है कि ट्रेन जा चुकी थी, मैं बाद में स्टेशन पहुंचा हूं, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो जो फर्स्ट एक्शन जो होगा उसको हम दिखाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसलिए दिखाएंगे क्योंकि वो एक्शन जो है वो खत्म हो चुका है। दूसरा एक्शन हम इसलिए पास्ट सिंपल टेंस में दिखाते हैं क्योंकि उस एक्शन को हम केवल इंडिकेट कर रहे हैं, वो खत्म नहीं हुआ है। इसको अच्छे तरीके से समझिए, फर्स्ट एक्शन जो खत्म हो चुका है उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरे एक्शन को हम इंडिकेट करेंगे पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, जैसे ये वाला सेंटेंस आप देखिए, द एग्जाम हैड स्टार्टेड, एग्जाम स्टार्ट हो चुका था बिफोर मतलब इससे पहले, किस चीज से पहले, इस एक्शन से पहले। ही एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल, उसके एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। तो चूंकि एग्जाम स्टार्ट हो चुका था, ये जो एक्शन हुआ है ये पहले हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्शन 1, इसको हम बोलते हैं एक्शन 2। तो एक्शन 1 चूंकि कंप्लीट हो चुका था, इसलिए इसको हम लिखेंगे हेड के साथ, और दूसरा जो एक्शन है उसको हम लिखेंगे V2 के साथ।
ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में जो सेंटेंस दिया है यहाँ पर, ये सही सेंटेंसेस हैं। देखिए, ही एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्जाम हैड स्टार्टेड। इसमें भी देखिए, इसमें भी एक्शन वन जो है वो सेम है, एक्शन वन और एक्शन टू दोनों में सेम है, लेकिन यदि आप बिफोर के स्थान पर आफ्टर लगा देंगे यहाँ पर, तो ये सेंटेंस यहाँ चला जाएगा और ये सेंटेंस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो बिफोर के स्थान पर यदि आप ये आफ्टर लगाते हैं तो एक्शन वन और एक्शन टू, ये एक्शन टू के स्थान पर एक्शन वन आ जाएगा, एक्शन वन के स्थान पर एक्शन टू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप, इसको आपको समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन हर स्थिति में हम एक्शन वन जो है, जो पहले समाप्त हो चुका है, उसमें हेड ही लगाएंगे, और दूसरा जो एक्शन है जो बाद में हुआ है उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे, चाहे आप बिफोर लिखें या आफ्टर लिखें। ठीक है, बिफोर आप लिखते हैं तो एक्शन वन को आप बिफोर से पहले लिखेंगे, यदि आप आफ्टर लिखते हैं तो एक्शन टू को आफ्टर से पहले लिखेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान सी चीज़ है। देखिए, ए केम बिफोर बी, ए बी से पहले आया, ए बी से पहले आया, या आप बोल सकते हैं, इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं कि बी केम आफ्टर ए, मतलब बी ए के बाद आया, दोनों का मतलब एक ही है, ए केम बिफोर बी या बी केम आफ्टर ए, इन दोनों का सेंटेंस का मतलब एक ही है। उसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है, किसी भी रूल को रटने की जरूरत नहीं है, और इसकी मदद से आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आसानी से इन सभी सेंटेंसेस को आप कर सकते हैं। यहां पर देखिए, एक सेंटेंस है, आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। ठीक है, बिफोर, देखिए बिफोर से पहले कुछ काम हो चुका था, ठीक है, ही स्टॉप्ड हिज कार, उसने अपनी कार रोकी, लेकिन इस कार को रोकने से पहले यहां पर कुछ काम हो चुका था, कार उसने बाद में रोकी लेकिन इससे पहले कुछ एक्शन हो चुका था, इसलिए इस एक्शन को हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, उसके कार रोकने से पहले मैं उसे देख चुका था, तो इसलिए चूंकि ये काम पहले हुआ है इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ऊपर वाला सेंटेंस रेड कलर में वो गलत है, और नीचे वाला सेंटेंस जो ग्रीन कलर में है वो सही है, ऊपर वाला गलत है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। देखिए, बिफोर ही अंडरस्टूड एनी थिंग, इससे पहले कि वो कुछ समझता, द रॉबर्स फ्लैड, तो यहां पर क्या आएगा, उसके समझने से पहले कुछ हो चुका था। बिफोर, बिफोर का मतलब है कि ये घटना हुई है, ठीक है, इस घटना के होने से पहले ये काम हुआ है, लेकिन ये काम कंप्लीट हो चुका था उसके बाद ये घटना हुई है, तो इसलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो नीचे वाला जो सेंटेंस है वो आपका सही है, ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। उसी तरीके से ये नीचे वाले जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको आप पढ़ सकते हैं, ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, जैसे आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, तो इसको सही क्या होगा, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका था, समाप्त कर चुका था, उसके बाद में उससे मिला, आई मेट हिम आफ्टर आई मेट हिम, मैं उससे मिला, आफ्टर मतलब किसके बाद, जब ये काम खत्म हो चुका था, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो ये नीचे वाला सेंटेंस सही है। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ये स्टूडेंट्स के लिए। ये देखिए, बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड, गलत क्यों है ये, इसका सही होगा, बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड। ठीक है, चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, जिस समय तक मैं थिएटर पहुंचा द शो जो है वो स्टार्ट हो चुका था, जिस समय तक मैं थिएटर पहुंचा यानी रीच्ड, जो शो था वो स्टार्ट हो चुका था, तो नीचे वाला सेंटेंस इसमें सही है, ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। देखिए, एक ये सेंटेंस है, ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है, मेंस एग्जाम में, व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज, जब आनंद अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया, That the news about him had preceded him, मतलब उसके पहुंचने की न्यूज उससे पहले पहुंच चुकी थी, तो इसलिए यहां हमने हेड लगाया है। बाकी रीच में और फाउंड में, रीच में और फाउंड को हमने पास्ट सिंपल टेंस में लिखा है, लेकिन रीच और फाउंड से पहले उसकी जो न्यूज पहुंची है वो काम पूरा हो चुका था, तो इसलिए हमने यहां पर हेड लगाया है, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहां हमने किया है।
ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि एक्शन जो है वो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले खत्म हो चुके होंगे। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं कल इस समय तक इस चैप्टर को खत्म कर चुका होऊंगा, कल मैं 7 बजे से पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर को समाप्त कर चुका होऊंगा। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं, और विल हैव और शैल हैव के बाद चूंकि हैव इसमें लगा हुआ है, इसके साथ हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल इस समय तक, अगले साल इस समय तक तुम अपना सिलेबस खत्म कर चुके होगे। ठीक है, तो इसमें एग्जामिनर क्या करेगा कि विल हैव के साथ यहां थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म कर देगा, यहां पर बाय दिस टाइम की जगह बाय दैट टाइम कर देगा, कुछ भी इस तरह से गलतियां वो दे सकता है एग्जामिनर। देखिए यहां पर ये सेंटेंस देखिए, बाय द टाइम, बाय द टाइम इस सेंटेंस को देखिए, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? देखिए इसमें दो फ्यूचर एक्टिविटी है। इस सेंटेंस का मतलब है कि जिस समय तक यानी जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा, ट्रेन निकल चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन निकल चुकी होगी। तो इसमें ये जो मेन पार्ट है जिसमें विल हैव लगा है, इसको तो हम विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखते हैं, इसको फ्यूचर में हम नहीं लिखेंगे। हालांकि इसका सेंस फ्यूचर का निकल रहा है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे और इसको हम फ्यूचर में लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए ये पास्ट का है, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, द ट्रेन विल हैव। देखिए ये गलत हो गया क्योंकि यहां पर इसमें इसमें हम पास्ट की वर्ब दे रहे हैं और यहां पर जो वर्ब लगाई है हमने ये फ्यूचर की लगा दी है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया है। बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन ये पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस के साथ आएगा यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया है। बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, जिस समय तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी। ठीक है, तो नीचे वाला सेंटेंस, ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं और ये सेंटेंसेस सही हैं। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी। ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस को हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, ये सिंपल टेंस है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा द ट्रेन जो है वो छूट चुकी होगी। ठीक है, ये फ्यूचर है, ये जो है बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, ये जो पाथ है ये भी फ्यूचर में है और ये जो पाथ है ये भी फ्यूचर में है, तो इसको हम विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म के साथ लिखेंगे, इसको हम सिंपल टेंस में लिखेंगे, इसमें हम फ्यूचर नहीं डालेंगे। यदि मैं इसको ऐसे कर दूं कि बाय द टाइम आई विल रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, इसमें दो बार विल आ जाएगा, तो विल का प्रयोग हमको यदि दो फ्यूचर सेंटेंसेस आ रहे हैं तो विल का प्रयोग एक ही बार करते हैं, दूसरा वाला जो पार्ट है उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसमें मैंने परफेक्ट टेंस जो है वो कवर किया है। इस वीडियो क्लास को देखने से पहले आप पार्ट वन और पार्ट टू आप जरूर देखें, जिसमें एक में मैंने सिंपल टेंस बताया है, दूसरे में मैंने कंटिन्यूस टेंस बताया है, तभी आपको ये अच्छे तरीके से आएगा। और ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, रूल्स को नहीं रटना है। इस वीडियो क्लास में मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं वो रियल एग्जाम के एग्जाम्पल्स हैं, CGL के मेंस लेवल के इसमें सेंटेंस लिए हैं मैंने इसमें, तो निश्चित रूप से इन वीडियो क्लासेस से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन इन वीडियो क्लासेस को आप कई कई बार देखें और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें, उनमें कॉमन सेंस अप्लाई करें, आप अच्छे तरीके से आप इन वीडियो क्लासेस को समझ सकते हैं। तो ये पार्ट थर्ड था। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो आएगा और उसको भी आप देख सकते हैं। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपको एरर लगी है या कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो इस यहाँ पर आप कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पर, और मेरे इन कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।